वेलकम टू क्लास नाइन वाला। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 10 सर्किल के बारे में। तो आज का यह सर्किल का इंट्रोडक्शन वीडियो है और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्लास नाइन के सर्किल चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी एक्सरसाइज वन में कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। बस उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आखिर उनका एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपने 10.2 को कवर करेंगे, देन 10.3 एंड 10.4, ताकि हम लोग अगर सेक्शन वाइज कवर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में समझ में आएगा। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें बताया गया है कि सर्किल आखिर होता क्या है, उसका रेडियस क्या होता है, इसका डायमीटर क्या है, इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, माइनर आर्क क्या होते हैं, मेजर आर्क क्या होते हैं, सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, सबके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी हम एक फिक्स पॉइंट लें और इस फिक्स पॉइंट से हम फिक्स डिस्टेंस पे और किसी पॉइंट को मूव कराएं, इसको ऐसे घुमा दें, तो ये क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करता है आपका सर्कल, ठीक है। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। जो पॉइंट ओ है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्किल, क्या बोलते हैं हम लोग, जो फिक्स पॉइंट है जिससे इसके हर एक बाउंड्री का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप इसको कॉपी पर नोट करते चलें ताकि आप सभी को ये चीज़ें साथ ही में याद होती जाएं, कंफर्म होती जाएं, ठीक है। तो सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर से अगर हम किसी सर्कमफ्रेंस पे, सेंटर से अगर इस पर हम कोई भी पॉइंट लें, ये लें चाहे ये पॉइंट लें चाहे ये डिस्टेंस लें, ठीक है, ओ पी है, क्यू है और ये आर है, ये तीनों ही क्या हैं, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर, इनको हम बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया जा चुका होगा रेडियस ऑफ द सर्किल, क्या बोल रहे होते हैं, रेडियस, यानी सेंटर से जो ये आउटर बाउंड्री है इसके फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। और जो आउटर बाउंड्री है जो आपको गोला दिख रहा होगा बाहर वाला, ये बाउंड्री, इसको हम बोल रहे होते हैं सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। और जो कुछ भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि इन सभी का क्लास 10th में डायरेक्ट यूज़ है, ठीक है। क्लास 10th में आपको एक सर्किल चैप्टर मिलेगा, उसमें डायरेक्ट इनका यूज़ किया गया, उसमें आपको यहाँ समझाया, वहाँ समझाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट इनका रिजल्ट वहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे होते हैं सेंटर, क्या बोल रहे होते हैं, सेंटर है या हमारा रेडियस है, इसको हम बोल रहे होते हैं सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। देन हमारा जो अगला टर्म है जिसको हमें समझना है वो होता है डायमीटर। और हमें एक सर्किल दिया जाए और इसका सेंटर मान लेते हैं हमें क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम बनाएं जो सेंटर ओ से पास करेगा तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्किल, क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये ए बी हमारा एक सर्कम डायमीटर है, ठीक है, ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करता है इसको हम बोल रहे होते हैं डायमीटर ऑफ द सर्किल, क्या बोल रहे होते हैं, डायमीटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। देन अब डायमीटर को छोड़ दें, अगर कोई हमें सर्किल बनाएं और कोई एक लाइन सेगमेंट ये सेंटर आपका इसको छोड़ करके कहीं और से जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, या फिर ऐसे जाए, या फिर ऐसे कहीं बन जाए, ठीक है। तो ये जो आपके ये ए बी है, ये सी डी है और ये आपका ई एफ है, इसको हम बोल रहे होते हैं कॉर्ड, क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या बोल रहे होते हैं, तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, आपको याद रखना है। सो हम क्या बोल रहे होते हैं, तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इतना चीज़ें आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझना है आर्क क्या होता है, देन हमें ये भी जानना है कि आर्क के बाद क्या आता है, सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो हम एक सर्किल ड्रा करें, और हम लोग एक सर्कल बनाएं, ये आपका सेंटर है और हमने एक इसका एक ये हिस्सा हमने लिया, ये ए बी हिस्सा हमने ले लिया, तो ये बाउंड्री को हम क्या बोल रहे होते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। उस सर्कमफ्रेंस का हमको एक छोटा पार्ट हम कट कर लें, छोटा पार्ट ले लें, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क, ये क्या है, तो आर्क, आर्क ए बी, डोनेट ऐसे करते हैं, आर्क ए बी, ठीक है। तो ये छोटा वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, क्या बोलते हैं, तो ये होता है माइनर आर्क, माइनर आर्क,
ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं। तो हम क्या बोल रहे होते हैं, तो माइनर आर्क, और जो आपका ये बड़ा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बड़ा वाला ऊपर वाला, इसको हम बोल रहे होते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो किसी भी सर्किल में दो आर्क होते हैं, माइनर और मेजर, और जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, माइनर और मेजर आर्क। देन अगला आता है हम लोग का, अगला जो कौन आता है वो आता है सेगमेंट। क्या आता है, तो सेगमेंट्स। अब ये हिस्सा मान लीजिए आपका है, ये भी हमारा क्या है, तो कॉर्ड है, ये भी क्या है, कॉर्ड है। और कॉर्ड सर्किल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। जो ये वाला सेगमेंट है, ये जिसको मैं सैड कर रहा हूँ, ये सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो ये बड़ा हिस्सा आपका है जो आपके सामने दिख रहा होगा, इसको हम बोल रहे होते हैं मेजर सेगमेंट। तो आपको याद रखना है, कॉर्ड क्या करता है, तो कॉर्ड सर्किल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर और बड़े वाले को हम लोग बोल रहे होते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका माइनर सेगमेंट है और बड़ा वाला क्या है, मेजर सेगमेंट। देन अगला आता है हम लोग का अगला हम लोग को पढ़ना है इसमें सेक्टर के बारे में। किसके बारे में, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका सर्कल है, यहाँ दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये ए ओ बी है। ठीक है, तो ये हिस्सा इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोल रहे होते हैं, सेक्टर। जब दो रेडियस हम बनाएंगे और जो दो रेडियस के बीच का एरिया आता है उसको हम बोल रहे होते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये छोटा इसलिए इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला एरिया बच रहा है, इसके बाद से जो ये चीज़ें बच रही हैं, इनको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, तो मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो ये आपके सर्किल के बारे में था कि सर्किल का डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने इसमें। और एक्सरसाइज 10.1 में आपसे यही सब चीज़ें पूछा गया है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें बचा हुआ है कि कोई अगर हमारे पास सर्किल दिया है, ठीक है, तो ये जो सर्किल के अंदर पॉइंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। और जो बाहर वाला बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। सर्किल पे है तो सर्किल पे लाई कर रहा है, और पॉइंट कहीं सर्किल के बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट्स है। क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। बाकी अब आपके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो एक्सरसाइज 10.2 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके सारे फार्मूलों को समझेंगे, सारे थ्योरम्स को समझेंगे, और उसके जो क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज 10.2 के उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें आप कमेंट करें, ताकि और भी वीडियोज़ आपको बहुत जल्द मिल जाए सर्किल चैप्टर के। अगला यहाँ दिया गया है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन 10.1 का, ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे बट इसको समझेंगे हम लोग। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाई, सेंटर कहाँ लाई करता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, सेंटर कहाँ होता है, सर्किल के अंदर। क्या होता है, सर्किल के अंदर इंटीरियर में होता है, क्योंकि बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर। ठीक है, जैसे दूसरा इसी में पूछा गया हमें, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन द, कोई हमें एक पॉइंट दिया गया है, यह वहाँ तो ये रेडियस होता है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, उसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, मतलब वो कहाँ है, ये पॉइंट पी है क्वेश्चन टू में, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी जो पॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं, ये कॉर्ड होते हैं, और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर, जो सेंटर से पास करता है, कहाँ से पास करता है, सेंटर से, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देन थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, एन आर्क इज अ सर डैश व्हेन इट्स एंड्स आर डायमीटर। कोई भी आर्क वाली एसी, ये भी तो एक आर्क है, ये आर्क है हमारा, और इसके एंड्स क्या है, डायमीटर है, मतलब ये क्या होगा, सेमी सर्किल। क्या हो जाएगा, तो सेमी सर्कल।
ठीक है। देन अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाइंग थ्री पार्ट्स, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड प्लेन। फिर ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स को आप लोग खुद ही समझ के कर लेंगे, अगर उसमें कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 को समझेंगे, इसके जो थ्योरम्स दिए गए उसको डिस्कस करेंगे और जो इसके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।